उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां लोगों के बीच जाकर अपने नए नए दावे और वादे के साथ जनता को रिझाने का प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के संभावित महोबा दौरे और आगामी 2022 के चुनाव को लेकर बांदा में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपना दल की विजय संकल्प यात्रा और रैली को लेकर पहुंची। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने जनसभा को भी संबोधित किया और 2022 के चुनाव में बीजेपी और अपना दल के गठबंधन से सरकार बनाने का दावा किया। वहीं कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान के मामले में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कंगना रनौत को इतिहास पढ़ना चाहिए। इस दौरान अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान के मामले में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि गांधी और पटेल जैसे राष्ट्रवादी नेताओं की तुलना कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। कि अपना दल के संगठन को और मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान दें और जहां भी अपना दल के प्रत्याशी खड़े हों आने वाले चुनाव 2022 में जनता मजबूती के साथ उनका साथ दे और उन्हें विजयी बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजे। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।